Hey everyone, so welcome back. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक हार्वेस्ट फेस एक्ने कंट्रोल फेस वॉश के बारे में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड की. तो ये एक इंडियन ब्रांड है. इसके सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सेरस पैराबिन फ्री होते हैं, किसी भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है एंड साथ ही 100% वीगन होते हैं. सो अब इस पर्टिकुलर फेस वॉश की बात करें तो इसमें भी किसी भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी भी एनिमल प्रोडक्ट का यूज नहीं किया गया एंड SLS पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल का यूज नहीं किया गया एंड इस फेस वॉश में आपको नीम एंड टी ट्री के बेनिफिट्स मिल जाते हैं. एंड ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो है वो पिंपल्स को एंड एक्ने को ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जाने माने हैं एंड बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं. सो ये फेस वॉश जो है वो सल्फेट फ्री है एंड ये सारी चीजें आपको यहाँ ट्यूब के फ्रंट में मेंशन मिल जाती है एंड ट्यूब का कलर भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक सा लगा. ग्रीनरी आप देख सकते हो, ग्रीन कलर का ट्यूब है. ट्यूब की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया एंड साथ ही ब्रांड के बारे में. एंड यहाँ नीचे आपको प्राइस एंड ये सारी चीजें मेंशन मिल जाती हैं. तो ये ट्यूब जो है वो 50 ग्राम का है एंड इसका प्राइस है 95, बट ये मुझे अराउंड 70 मिली थी मिंत्रा पे. सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो कि अभी इसके प्राइसेस जो है क्या है, बट 70 के अराउंड मिला था मुझे ये. एंड सेल्फ लाइफ की बात करें तो 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ मिल जाती है. सो ये रही वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें ट्यूब से मिलनी थी. सो एक्चुअल प्रोडक्ट की बात करें तो फेस वॉश जो है वो रनिंग है एज यू कैन सी एंड ट्रांसपेरेंट लाइट ग्रीन इन कलर है. फ्रेग्रेंस की बात करें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीम एंड टी ट्री मिक्स फ्रेग्रेंस आ रही है एंड ऑनेस्टली मुझे अच्छी लग रही है, बुरी नहीं है, बहुत ही ज्यादा माइल्ड है एंड बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है क्योंकि ये फेस वॉश जो है वो थोड़ा सा रनी है कंसिस्टेंसी में. तो आपको इसको यूज करने टाइम इस चीज को ध्यान में रखना है, अगर आप ट्यूब को उल्टा करोगे तो ये पूरा फेस वॉश जो है वो खुद से बाहर आ सकता है. सो ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी ध्यान देने वाली है. सो अभी बात करें अगर क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी लगती है आपको, तो आपको नॉर्मल क्वांटिटी लेनी है, एक पी साइज जैसे हम बाकी सारे फेस वॉशेस लेते हैं आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी है. एंड ये फेस वॉश में वो बिल्कुल भी लेदर नहीं करता, बहुत ही कम फोम क्रिएट होता है. सो इस चक्कर में आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ना ले क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेने से एक तो प्रोडक्ट वेस्ट होता है, साथ ही हमारी स्किन जो है वो ड्राई होती है. तो आपको नॉर्मल क्वांटिटी लेनी है इस फेस वॉश की. एंड ये फेस वॉश जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि ये फेस वॉश जो है वो कहीं ना कहीं स्किन को ड्राई कर देती है एंड ये चीज जो है आपको यहाँ पे भी बैक साइड में मेंशन मिल जाता है. अदरवाइज ये फेस वॉश जो है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, ये स्किन को बहुत ही डीपली क्लीन करता है एंड हाँ इसको यूज करने के बाद एक बहुत ही एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा इफेक्ट आता है. एंड क्योंकि नीम एंड टी ट्री इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, तो अगर आपको पिंपल्स और ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम है तब आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. एंड फिलहाल मैं भी इसे यूज कर रही थी, एज यू कैन सी कि मेरे इधर एक छोटा सा पिंपल आपको दिख रहा होगा, मंथली विजिटर्स ये तो आते जाते रहते हैं. सो फिलहाल मैं इस फेस वॉश को यूज कर रही हूँ एंड अच्छा काम कर रहा है. आप देख सकते हो बहुत ही आपको एक छोटा सा दाना दिख रहा होगा जो कि एक ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है एंड मेरे लिए तो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है. बट मैं यहाँ एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट्स के इफेक्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं. सो मेरे लिए मेरे एक्ने पे तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है, एज यू कैन सी कि मेरा ये जो एक्ने है वो कितना ज्यादा स्मॉल हो चुका है एंड ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जस्ट लाइक ये थोड़ा सा निशान काइंड ऑफ बचा हुआ है. एंड मेरे स्किन टाइप की बात करें तो मेरा स्किन टाइप नॉर्मल है एंड मेरे लिए तो ये अच्छा काम किया. सो अगर आपकी स्किन भी नॉर्मल टू ऑयली है तब आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. एंड अगर आपको अगर एक्ने और ब्रेकआउट की प्रॉब्लम ना हो तो भी आप इस फेस वॉश को यूज कर सकते हो, बहुत ही रिफ्रेशिंग से इफेक्ट देता है एंड क्योंकि एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज मिल जाती है आपको इस फेस वॉश में, तो ये आपके स्किन को डीपली क्लीन करेगा जिससे आपको फ्यूचर में एक्ने और ब्रेकआउट की प्रॉब्लम नहीं होगी. सो पर्सनली मुझे तो ये फेस वॉश बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एंड अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तब आप इस फेस वॉश को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. इन ड्राई स्किन वालों को मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी. एंड बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप मैंने इस फेस वॉश से रिलेटेड सारी बातें अच्छे से क्लियर कर दी है. बट स्टिल अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो. एंड बस दैट्स इट फॉर टुडे. मिलती हूं आपसे बहुत जल्दी अपने एक और नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लेना.